Definitely. Okay, Gaurav, definitely. Has some BJP leaders outside the Ranchi office of the BJP. Gaurav, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि सरकार बना पाएंगे अब? क्या कहना है आपका? आपको बता दूं, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा कमल खिलेगा, भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी, कोई भ्रम में नहीं रहे आप? सर ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान धारा 370 और ऐसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुनाव प्रचार में रखा गया, उनका भी एक टेस्ट होगा इस दौरान, क्योंकि ये बेहद जरूरी होगा कि लोग उसको कितना स्वीकारते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में। देखिए ये तो राष्ट्रवाद है भैया, 370 क्यों नहीं पसंद करेंगे, 35 से क्यों नहीं पसंद करेंगे, 3 तलाक क्यों नहीं पसंद करेंगे, राम मंदिर क्यों नहीं पसंद करेंगे, CAA क्यों नहीं पसंद करेंगे भैया? ये तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अब आप देखना कि भाजपा मोदी के साथ और झारखंड मोदी के साथ, झारखंड रघुवर दास के साथ खड़ी है। सर एक सवाल और है कि क्या ऐसा भी है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बाबूलाल मरांडी को अप्रोच करके उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाएगा? तो इफ बट नहीं होता है, हम तो अस्वस्थ हैं। मैं कह रहा हूं ना, क्या भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी? हमारे साथ संजय सेठ जी जो कि रांची से सांसद बीजेपी के, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी कहें, बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से झारखंड में बनने जा रही है। कप्तान संदीप ठाकुर के साथ गौरव श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, रांची। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स गौरव गिविंग एन अपडेट फ्रॉम देयर। द बीजेपी लुकिंग मोर एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड व्हाई नॉट, ऑनेस्टली यू नो दे डिडंट एक्सपेक्ट दिस नंबर। कैन आई हैव द गेस्ट ऑन द अदर साइड प्लीज, माय आई जस्ट लॉस्ट माय स्क्रीन ऑन द लेफ्ट। माय क्वेश्चन इज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस नंबर, वन वेरी इंटरेस्टिंग, आई कांट सी द गेस्ट ऑन द अदर साइड प्लीज, कैन आई प्लीज, आई कांट सी द गेस्ट ऑन द अदर साइड, या वन सेकंड, या प्लीज गो ऑन अभिषेक, या वन वेरी इंटरेस्टिंग बिट दैट केम आउट ऑफ द साउंड बाइट वाज दैट द मैंडेट दे वर सीकिंग परहैप्स लुक्ड लाइक दे वांटेड द मैंडेट ऑन आर्टिकल 370, they wanted the mandate on Ayodhya verdict, they wanted the mandate on triple talaq. I mean, that would be very interesting to watch out whether these immediate developments have really influenced the Jharkhand verdict. Also yeah, but CAA, you know, there were Abhishek. Also CAA. Of course, towards the later half of the election. On state issues, because it's the tribals that are angry with them. Remember, tribals are 1/3 of the population. So whether it comes to the tenancy acts that have been promoted by the Raghubar Das government, we have to see whether it's anti-incumbent chief that's going to hit the BJP chief minister in Jharkhand right now. I think anti-incumbency rhythm, as we know, Jharkhand, Abhishek and Arnab were discussing, of course, is going to be a huge factor as far as Jharkhand is concerned. Surely, but Prime Minister made that point that early in the last... No, don't suggest that it's as bad for the BJP, Abhishek, as they themselves perhaps would have it's anticipated. It's gone up to 38, in fact, Abhishek, 38 is the number right now. To, of course, come together with their former partners, the AGSU and even the JVM. Yes, Abhishek. I am surprised. See, the point the Prime Minister also made in one of his rallies was that before the BJP came to power in 2014, Jharkhand in its short streak of 12-13 years had seen 9 chief ministers. Yes. In 12-13 years, he said in 13 years, I was the only chief minister in Gujarat in 13 years, Jharkhand, so 9 chief ministers.